अभी लाइव। ऑल राइट एवरी वन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर ओन फेवरेट वीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बच्चे स्वागत है आपका सुपर डुपर धमाकेदार सेशन में, जो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे स्कोरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। एक बार हम, हाँ जी, तो भाई फटाफट से पहले मेरे साथ जुड़ जाओ सारे बच्चे, मुझे बता दो आप बच्चे आ चुके हो क्लास में, मेरी वॉइस, मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, भाई थोड़ी सी मेरी आवाज आपको चेंज लग रही होगी, दैट इज नॉट ड्यू टू इंटरनेट इश्यू, दैट इज ड्यू टू माई थ्रोट इन्फेक्शन इश्यू। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन है, लेकिन एनर्जी में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैन यू ऑल सी मी एंड हियर मी प्रॉपरली, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। फटाफट से मेरे को चैट में लिख दो कि हाँ जी आप मेरे को सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, अपने प्यारे प्यारे थम्स अप, अपने प्यारे प्यारे लाइक्स, अपने प्यारे प्यारे लिटिल हार्ट्स जल्दी से भेज दो मैम को, बिकॉज ये सारी चीजें ना एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करती है हमारे लिए। ऑलराइट, तो बच्चे आज का जो चैप्टर है वो है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी सबसे स्कोरिंग यूनिट है। अगर मैं 11th की बात करूं, प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी से मोर और लेस सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आती हैं, किसी साल ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा आ गया, किसी साल से प्लांट से ज्यादा आ गया, इतना ही डिफरेंस होता है, लेकिन मोर और लेस उनका सेम नंबर ही आ रहा होता है। अब अगर मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी की बच्चे, तो ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स वी आर डन विद, मिनरल न्यूट्रिशन वी आर डन विद, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, लेकिन समझना उतना ही इजी होता है, पढ़ना उतना ही आसान होता है। तो समझ करके आप कितने मार्क्स लेकर के आ पाओगे, बड़ा इजीली आप इसमें स्कोर कर पाओगे, ये मजे वाली बात होती है इस चैप्टर की। बाकी चैप्टर, चाहे मैं TIP की बात करूं, चाहे मैं मिनरल न्यूट्रिशन की बात करूं, छोटा चैप्टर बड़ा धमाका है, वहां से क्वेश्चन का नंबर भी कम है कंपेरेटिवली, बट यहां से क्वेश्चन का नंबर आपका अच्छा आता है। एंड मजे की बात यह है यार, स्कोरिंग चैप्टर है ना, स्कोरिंग चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, प्लांट्स के साथ हमें बांधने वाला चैप्टर है, नेचर को समझने वाला चैप्टर है। गुड इवनिंग माय डियर बच्चास, गुड इवनिंग, मैं देख पा रही हूँ मेरे साथ नम्रता जुड़ चुकी है, मेरे साथ शिल्पा कुमारी जी जुड़ चुकी है, परवीन हेलो, गुड इवनिंग। भाई फटाफट से इसको शेयर करके अपने बाकी सारे दोस्तों को भी बुला लो। आज मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुम बच्चों से, आज जितना मैं पोर्शन कराऊंगी वो तुम अभी की अभी बहुत अच्छे से याद करके समझ के चले जाओगे। इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करी और हम निकल लिए। एक्चुअली आपको अच्छे से पता है मेरे प्यारे बच्चों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अहमियत क्या है। अहमियत अगर मैं बोलूं तो भैया सेम क्वेश्चन चाहे रिपीट ना हो, मैं नहीं कहती कि सेम क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, बट उस कॉन्सेप्ट से, उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। मैम आपको लॉजिकल बात बोलती है हमेशा, इसीलिए मैं आपके ये टेबल हमेशा दिखाती हूँ हर एक चैप्टर की। तो बच्चे ध्यान से देख लो इस टेबल को, सारे बच्चे ध्यान से देख लो इस टेबल को, ये टेबल ब्योरा है 2017 से 2022 तक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड The concept which has been used for those questions. इस particular chapter में किस concept से हर साल बार बार question आया है, ये table आपको summarize करके दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं 2017 की, भैया कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो अपने सामने इस टेबल को देख लो, इस टेबल का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 2017 में मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर से आपके तीन सवाल आए थे, 18 में एक क्वेश्चन आया था, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2020 में दो सवाल थे, 21 में दो सवाल थे, एंड लेटेस्ट ईयर के पेपर में 2022 में यहां से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो मैम आपको बोल रही है कि कॉन्सेप्ट आपका सेम रिपीट हो रहा है बार बार, तो देख लो जी किस किस टॉपिक से हर साल सवाल आए हुए हैं आपके। C4 प्लांट के बारे में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में, C4 साइकिल के बारे में, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को के बारे में, प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग अगेन। तो आप देखो सेम कॉन्सेप्ट, 2017 में भी फैक्टर से क्वेश्चन आया, 18 में भी फैक्टर से क्वेश्चन आया, 2020 में आपका C4 वाले पार्ट से क्वेश्चन आया, C4 प्लांट से, C4 साइकिल से, 2021 में भी आपका C4 साइकिल से क्वेश्चन आया, 2022 में भी आपके प्रोडक्ट्स एंड C4 प्लांट से सवाल आया हुआ था। ऑलराइट बच्चों, तो मान गए हो अब तो तुम इस बात को कि कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है। यस और मैं इन द चैट बॉक्स,
फटाफट से भाई मुझसे बातें करते रहो, रूबरू होते रहो, तभी तो क्लास में भी मजा आएगा, आप भी मुझे समझ पाओगे, मैं भी आपकी क्वेरीज को ले पाऊंगी अच्छे से चैट बॉक्स के अंदर। जो भी आपकी क्वेरी है चैट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे सारे बच्चे। यस शिल्पा, यस नम्रता, यस परवीन, हां जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट किया जाए आज के धमाकेदार सेशन को, आज के सुपरबली अमेजिंग क्लास को, विच इज ऑन फोटोसिंथेसिस। भाई अगर मैं बात करूं मेजरली हमें और प्लांट को क्या चीज डिफरेंशिएट करती है, वो ये कि हम अपना खाना बनाने के लिए हमें किचन में जाना पड़ता है, हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को चॉप 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 करना पड़ता है, एंड हम अपने लिए ग्रेन्स भी बनाते हैं, तो फाइनली हम उस फूड को यूटिलाइज कर पाते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, उस फूड को ब्रेक किया जाता है, एंड अल्टीमेटली वी आर केपेबल, वी आर एबल टू यूज दैट एनर्जी। मैम जो बात कर पा रही है, मैम का थ्रोट इन्फेक्शन होते हुए भी अगर मैं बात कर पा रही, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन आई हैड माई फूड, और उस फूड का रेस्पिरेशन हुआ है, उस फूड से एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम कैपेबल टू यूज माई वॉइस, आई एम कैपेबल टू प्रोड्यूस दैट मच ऑफ एनर्जी। लेकिन ऑन कंट्रेरी अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स को ये सारे स्टेप्स करने की आवश्यकता नहीं है, प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ धूप में जाते हैं, व्हिच इज सनलाइट। सनलाइट में, सनलाइट को एज अ फिजिकल कंपोनेंट यूज करके, धूप धूप करके बड़े आराम से अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं, एंड फूड इज माय डियर किड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जो आपके प्लांट्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एंड पानी की। तो यहाँ पे बच्चे केमिकल कंपोनेंट्स भी है, यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट्स भी है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या आप समझ पाए इस बात को? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज photosynthesis is a physiochemical process. Why? Because sunlight is the physical component and chemical components that we are using are carbon dioxide and water molecule. Aaya samajh bachcho? Aaya samajh? Yes or no in the chat box? हाँ जी, सुन पा रहे हो? भाई थोड़ा बहुत लैग है, मैं समझती हूँ आपका स्ट्रीमिंग जो हो रहा है, आपके पास जो क्लास पहुंच रही है उसमें 20 या 30 सेकंड्स का लैग पीरियड होता है। तो क्या मेरे को सुन पा रहे हो चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में एक्टिविटी को बरकरार रखेंगे सारे बच्चे। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं अगली एक्सपेरिमेंट्स की, आई विल बी ऑनेस्ट, रिसेंट ईयर्स में अर्ली एक्सपेरिमेंट पे आपका क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यस जब आप बेसिक्स से शुरुआत करते हो तो ही आपको एडवांस लेवल की चीजें भी समझ में आती है। तो हम बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, कैसे ये प्रूव हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, कैसे ये प्रूव हुआ कि इट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पिगमेंट, वो दुलारा पिगमेंट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये सारी बातें कैसे हमारे सामने आई? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए बच्चे। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए, दैट वाज वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरिएटेड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, भैया स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट आप तक तो पहुंचाना चाह रही हूं। अगर आपको लगे कि स्पीड ज्यादा है, मेरे को चैट बॉक्स में लिख देना, वो सेम टॉपिक, वो सेम लाइन दोबारा एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ठीक है नम्रता? ठीक है शिल्पा? हां जी, ऑल राइट। तो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें वेरिएटेड लीफ की, जिसमें ग्रीन एंड येलो पैचेस पाए जाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके मैं इसमें स्टार्च की प्रेजेंस का अगर पता लगाऊं, तो देखने को मिला कि एरिया अफेक्टेड बाय द स्टार्च टेस्ट वाज ओनली द ग्रीन एरिया। इसका कंक्लूजन ये निकला कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है, इट वॉज फाउंड इन द ग्रीन एरिया एंड दैट वॉज इंडिकेटिव कि यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है भाई, जहां स्टार्च प्रेजेंट होगा वहीं तो आपका फोटोसिंथेसिस हुआ है, जहां स्टार्च प्रेजेंट नहीं है वहां आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, एज सिंपल एज दैट। तो वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से ये हमारे को समझ में आया कि जो येलो पैचेस है वहां पे स्टार्च नहीं है, बट जो ग्रीन पैचेस है वहां पे आपको भरपूर मात्रा में स्टार्च देखने को मिला है। तो दिस वॉज अर्लीएस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डायरेक्शन टू फाइंड आउट कि क्या क्या मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 रिक्वायर्ड है या नहीं है, वॉटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या काम होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या काम होता है, सबसे अर्ली एक्सपेरिमेंट है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, विच वॉज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट।
हाफ भाई मेरे को चैट में बताते चलो, नम्रता, शिल्पा कुमारी एंड परवीन जी, कुछ भी आपत्ति, कोई डाउट अगर आपको लग रहा है, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मेरे को पूछते हुए चलो आप लोग। अच्छा, एक बोनस सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, प्लांट फिजियोलॉजी, सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इसके ऊपर 25 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। ठीक है, पहले पढ़ लो सारे फिजियोलॉजी को, उसके बाद हम 25 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो उस 25 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिल जाएंगे, ये एक्सपीरियंस हमारा कहता है आपको। ठीक है बच्चे, चलिए हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जो आपकी लीफ है उसको हाफ कवर कर दिया गया, एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा है। तो अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, इस पार्ट को मैंने टेस्ट ट्यूब में एनक्लोज कर दिया, एंड आई मेड श्योर कि वहां पे KOH सॉक्ड कॉटन भी मैंने रख दिया। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा बच्चों कि जो मेरा पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर है वहां पे उस एनवायरमेंट में CO2 नहीं है, CO2 को मैंने एबसेंट कर दिया क्योंकि KOH ने सारी CO2 को अब्सॉर्ब कर लिया। वेयर एज जो पार्ट मेरा एक्सपोज्ड पार्ट है ना, ये तो कवर पार्ट है, जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसके पास ऐसा कोई दायरा नहीं है, तो वहां पे CO2 प्रेजेंट है, यहाँ इस वाले पार्ट में CO2 प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसको स्टार्च टेस्ट के लिए देखती हूं तो समझ में आता है द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव, यहां पे तो स्टार्च आपकी पाई गई लेकिन यहां पे स्टार्च आपकी नहीं पाई गई, नहीं पाई गई। तो मुझको बता दो बच्चों, मुझको बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो पार्ट है जो कि कवर्ड पार्ट है, क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, यस और नो इन द चैट बॉक्स। हां जी न्यूटन बाबा, यस और नो, लव के नाम से एक बच्चा, मेंटी भी करेंगे भैया, जरूर करेंगे। हां जी बताओ क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, यस और नो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ। जी नहीं, यहां नहीं हुआ है, तभी तो यहाँ पे स्टार्च भी आपका नहीं पाया गया है। वेयर एज ऑन कॉन्ट्रेरी यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्च भी पाया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है क्योंकि मैंने इस वाले पार्ट में CO2 को एबसेंट कर दिया था, दैट इज व्हाई यहाँ पे मेरा स्टार्च भी नहीं पाया गया। एम आई क्लियर, और एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर? नम्रता नहीं पाया गया, न्यूटन बाबा नहीं पाया गया, शाबाश भाई। सेशन को शेयर करते चलो, साथ साथ में प्यार बांटते चलो, जितने अपने दोस्तों को आप यहाँ पर लेके आओगे उतना ही रियल कंपटीशन भी आपको समझ में आएगा, है ना। अब एग्जाम में मात्र 30 डेज बचे हुए हैं, कल तो 7th आपकी डेट हो गई है, 7 तारीख को तो आप अपने एग्जाम सेंटर में घुसने की ही तैयारी करेंगे, 7 तारीख को तो कोई आपका रिवीजन हो नहीं पाएगा, 7 को तो आप कुछ भी MCQs है कोई चीज नहीं लगा पाओगे, 7 को तो आपको धक 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 हो रहा होगा कि हाँ एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, है ना। मोहम्मद परवेज एम्स, गुड इवनिंग बेटा, है ना। शिल्पा कुमारी, मैं बहुत बढ़िया हूँ परवेज, आप कैसे बेटा, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, चलिए सुपर। तो भाई ये जो लास्ट के 30 डेज, एग्जैक्ट 30 डेज बचे हुए हैं, उसको आप अच्छे से अपनी तैयारी, अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट एक बढ़िया सा दे दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था मेरे प्यारे बच्चों, बेल जार एक्सपेरिमेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, प्रिस्ले साहब ने किया था। प्रिस्ले साहब ने क्या नोटिस किया बच्चों कि जब उन्होंने एक बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती को रखा, एक कैंडल को रखा जला करके, थोड़ी देर के बाद ये फील किया कि वो कैंडल जो है वो बुझ गया है, वो बुझ गया है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक माउस को भी रख दिया जी, उसके थोड़ी देर बाद भी देखा कि आपका माउस जो है उसकी डेथ हो गई है, हंसते खेलते चूहे को मार दिया प्रिस्ले साहब ने। उनको लगा कि यार कोई चीज तो ऐसी है, इन्वायरमेंट में कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये कैंडल जो है ये बुझ गया, ये माइस जो है इसकी डेथ हो गई, तो जो एयर की क्वालिटी थी वो खराब हो गई है। यस, तो इन्होंने कहा कि कैंडल की बर्निंग से, माइस के ब्रेथ लेने से उस एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, तो क्यों ना मैं एक मिंट प्लांट को रख दूं, क्यों ना मैं एक सेम सेटअप में एक प्लांट को रख करके देख लेता हूं। जब इस प्लांट को रखा गया बच्चों, तो फॉर हिज सरप्राइज ना तो कैंडल पे कुछ असर पड़ा, एंड माइस भी हैप्पीली सरवाइव कर गया। तो प्रिस्ले साहब ने कहा कि भैया
कैंडल के जलने से, माइस के सांस लेने से हवा जो है वो दूषित हो गई थी, हवा जो है वो बेकार हो गई थी, उस एयर को, उसकी क्वालिटी को रिस्टोर कर दिया है प्लांट ने। तो प्लांट ने क्वालिटी को रिस्टोर कर दिया है। इन्होंने कहा प्लांट्स रिस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। तो इन्होंने जिस एयर को रिमूव किया था उसको वापस से रिस्टोर किया प्लांट ने, तभी आपका माइस भी सर्वाइव कर पाया, तभी आपकी कैंडल भी वहां पे बर्न कर पाई। तो कुछ तो ऐसा है जो प्लांट कर पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, इसी एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो वी हैव एक्वाटिक प्लांट एक्सपेरिमेंट, देख लेते हैं। दिव्यांशी भार्गवा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। परवेज सफर, अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा लेट हो गया, कोई बात नहीं भैया, टाइम से आया करो, आप बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोगों ने ही मुझसे गुजारिश करी थी कि मैम हमारे को लाइव क्लास चाहिए, है ना, तो अब मैम लाइव क्लास ही लेगी आप बच्चों के लिए। थोड़ी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बट हमारा मेन फोकस है कॉन्टेंट, मेरा मेन फोकस है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट दिया जाए, ठीक है। ये लास्ट टाइम में 30 डेज में आपका हाथ थाम के चला जाए। यस बच्चों, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इंजन हाउस का, एक्वाटिक प्लांट एक्सपेरिमेंट था। क्या एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, एक प्लांट को प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर रखा तो ये ऑब्जर्व किया कि वहां पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, बुलबुले निकल रही हैं। ये किस चीज के बुलबुले हैं ये समझते हैं थोड़ी देर में। उन्होंने सेम प्लांट को शेड में भी रखा, छाया में भी रखा, तो देखा यहाँ पे कोई बुलबुले नहीं है, देर आर नो बबल्स। तो दो एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस सिर्फ सनलाइट का ही तो है। यहाँ पे तो मेरे बच्चों प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट आपकी प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे लाल एब्सेंस ऑफ सनलाइट है, यही तो डिफरेंस है। इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है, बता दो मेरे को चैट बॉक्स में, इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तो एयर बबल्स दिख रहे हैं, मतलब यहाँ तो ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर यस। तो ये हाइपोथेसिस दिया गया दैट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन द सनलाइट, सनलाइट पे भी ये डिपेंड करता है। भाई हमने अब तक प्रूव कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, हमने प्रूव कर दिया सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही स्टार्च प्रोड्यूस हुआ, ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एंड हमने ये भी प्रूव कर दिया कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही आपका स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन्होंने कलेक्ट किया गैस को फ्रॉम द बबल्स एंड ये पाया कि ये ऑक्सीजन है। कंक्लूजन दिया कि भैया सनलाइट इज एसेंशियल, जो बबल्स फॉर्म हो रहे थे वो ग्रीन पार्ट के अराउंड ही हो रहे थे, एंड दीज बबल्स आर योर ऑक्सीजन। एम आई क्लियर, यस देख लो चैट बॉक्स में भी क्या हाल है बच्चों का, एम आई क्लियर। हाँ जी दिव्यांशी गुड इवनिंग मेरे बच्चा, कोई बात नहीं। न्यूटन बाबा आ रहा है समझ, शिल्पा कुमारी आ रहा है समझ, परवेज एम्स हाँ जी, सेशन को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, प्यार बांटते चलो। डन एंड अंडरस्टूड, डन एंड डस्टेड, यस दिव्यांशी डन एंड डस्टेड। तो थोड़ा सा सेशन में प्यार बरसा दो भाई, प्यारे प्यारे लिटिल हॉट थम्स अप भेजते हुए चलो, है ना, हमारे को भी मोटिवेशन रहेगा, हमारा भी जो गले का फटा ढोल बन गया थोड़ा वो ठीक हो जाएगा मोटिवेशन देख करके बच्चों का। हाँ जी यस, चलिए सुपर्ब सुपर्ब, चलते नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे विच वॉज एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट, देख लेते हैं जी। एंगलमैन साहब ने ऐसा क्या कलाकारी हमारे सामने प्रोड्यूस कर दी थी। तो भैया सनलाइट में कौन सा पार्ट इज बेटर फॉर फोटोसिंथेसिस टू हैपन, सनलाइट इंपॉर्टेंट है हमने बात कर ली, बट विच पार्ट। तो एंगलमैन सर ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट ही डिड, इन्होंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म से लाइट को पास कराया, पास कराने के लिए आपका पूरा विबग्योर बन जाता है। विबग्योर बनने के बाद चेक किया कि एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ जाकर के कलेक्ट होते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब हुआ ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन से एफिनिटी को शो करते हैं। तो जहां पे आपका ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वहीं पे आपका एरोबिक बैक्टीरिया भी जाके एक्यूमुलेट होगा,
यस और नो, वहीं पे ही आपका एरोबिक बैक्टीरिया भी एक्यूमुलेट होगा। तो बच्चे ये पाया गया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो रेड एंड ब्लू लाइट में ही ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि रेड एंड ब्लू लाइट पे ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यस, मैक्सिमम वहीं पे ही हो रहा है रेड एंड ब्लू लाइट में। एम आई क्लियर? तो यहां से क्लैरिटी आती है कि सनलाइट का तो बहुत बड़ा पार्ट है, एक्चुअल में विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। सो माय डियर किड्स, इट इज रेड एंड ब्लू लाइट, रेड एंड ब्लू लाइट। चलते हैं जी आगे। अब इस एक्सपेरिमेंट ने हमें दे दिया पहला एक्शन स्पेक्ट्रम। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वॉज रिजल्ट ऑफ एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट मैं यहां लिख दे रही हूं, क्योंकि ये लाइन बहुतायत में इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम यही से सामने आया, बिकॉज 400 पे हमको पीक देखने को मिला, 700 पे हमारे को पीक देखने को मिला। यस बच्चों, हां जी, कम ऑन, आया समझ? एक्शन स्पेक्ट्रम में भी तो यही हमने देखा था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है जी या 400 नैनोमीटर पे या आपके इस साइड 700 नैनोमीटर पे। यस बच्चे, हां जी, यस, कम ऑन कम ऑन, आ रहा है समझ में सबको? फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बताते हुए चलो, प्यार बांटते चलो चैट बॉक्स में। दिव्यांशी भार्गव, आपको भी बहुत मुबारक हो हनुमान जी की जयंती। भगवान करे, हनुमान जी करे कि आप सारे बच्चे डॉक्टर बनके निकले, इसी सेशन में डॉक्टर बनके निकले। आज से 30 डेज के बाद जब आपसे बात हो तो आप कहें कि मैम फोड़ के आ गए हम पेपर को, ऐसा मस्त हमने पेपर दिया है, हम फोड़ के आए हैं आज, है ना? यस यस, समझ आ पा रहा है? यस शिल्पा कुमारी, चलिए फिर आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नील साहब का एक्सपेरिमेंट था। नील साहब का एक्सपेरिमेंट क्या हमें ये बतलाता है? भाई अब तक ना हम उस रिएक्शन को फाइंड आउट कर चुके थे जहां पे आपका वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अब कहानी ये आ रही थी कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है एक्सक्यूज मी, या फिर ये वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है? कहां से आ रहा है? अब इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। तो भाई इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट जो ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है वहां पे आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना होकर के सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम में H2S को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ H2O। H2O की जगह H2S था, तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन सल्फर प्रोड्यूस हुआ। तो इन्होंने कहा इट इज वाटर मॉलिक्यूल जो आपका ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए अहम योगदान दे रहा है। इट इज वाटर मॉलिक्यूल जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए। आइए बात समझ। लेकिन हम जब तक कि 2-3 एक्सपेरिमेंट ना हो हमारे को बात समझ में नहीं आती है। तो इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया दैट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज नॉट CO2। जो CO2 है वो तो रिड्यूस करके बना रहा है आपके शुगर, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो बना रहा है आपका ऑक्सीजन। ये सिंपल क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे दी आपके वॉनिल साहब ने। लेकिन रुबेन एंड कमेंट साहब ने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई मैं तुमको एक पुख्ता एक्सपेरिमेंट करके ये बात समझाता हूं। व्हाट आई विल डू, आई विल यूज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से बेहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती है। आपको एकदम प्रमाण मिल जाएगा इस बात का कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल का ही योगदान है इन इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। एम आई क्लियर बच्चों? तो रुबन एंड कमन ने क्या किया जी, रेडियो एक्टिविटी को यूज किया एंड फाइनली ये प्रूव कर दिया दैट इट इज H2O मॉलिक्यूल व्हिच इज गिविंग राइज टू योर ऑक्सीजन। एम आई क्लियर इन द चैट बॉक्स? एम आई क्लियर बच्चा पार्टी? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, समझ आ रही है मेरी बातें आप बच्चों को? यस और नो इन द चैट बॉक्स, समझ पा रहे हो आप सारे बच्चे रुबन एंड कमन एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ? यस, चला जाए फिर आगे।
तो भाई मोटे तौर पे आपको समझाया जाए तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजिकल कंपोनेंट्स आपके सनलाइट है, केमिकल कंपोनेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल है जो कि प्रोडक्ट आपको देते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। चलते हैं जी आगे, ये प्रोसेस कहाँ होता है, ऐसा क्या डिफरेंस है हम में और प्लांट्स में, जो प्लांट के तो इतनी ऐश है, आराम से धूप में खड़े होते हैं और अपना फूड बना लेते हैं, हमें इतनी मारामारी करनी पड़ती है, हमारे को पहले पैसा कमाना पड़ता है, फिर जाकर के हम वो सब्जियां खरीद पाते हैं, फिर जाकर के हम वो खाना खरीद पाते हैं, फिर हम उस खाने को कंज्यूम कर पाते हैं। तो हमारे साथ ही अत्याचार क्यों, ऐसा क्या स्पेसिफिक प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर, देख लेते हैं जी। तो प्लांट्स में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। इस ब्यूटीफुल से डायग्राम को देखिए, दिस ब्यूटीफुल डायग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो आपकी लीफ होती है मेरे बच्चों, लीफ में मेसोफिल सेल्स पाई जाती है, मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। भाई क्या बला है ये क्लोरोप्लास्ट, ऐसा क्या है इसमें, देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। दो मेम्ब्रेन है, पहली बात ये तो आउटर हो गई, ये इनर होगी, इसके अलावा ये स्टैक कुछ दिख रहा है ना, इसको अगर विजुलाइज कराऊं तो पांच के सिक्के, पांच दस पांच के सिक्के उठाओ, एक के ऊपर एक को रख दो, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर देखने में प्रतीत हो रहा है। हाँ जी, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर देखने में प्रतीत हो रहा है। अगर मैं इस पांच के सिक्कों में से एक सिक्का उठा लूं, उसको मैं कहती हूं बच्चे थैलेकॉइड। क्या कहा इन द चैट बॉक्स एवरीवन, क्या कहा मैंने, एक सिक्का इज थैलेकॉइड। सिक्कों का पूरा जो भंडार मैंने लगा दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेना, उसको मैं ग्रेना कह देती हूं। तो स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स इज योर ग्रेना, इंडिविजुअल यूनिट इज योर थैलेकॉइड। ऐसे बहुत सारे ग्रेना आपके पाए जाते हैं, ग्रेना आपस में जॉइंट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमिले। तो ये स्ट्रोमा लैमिले जॉइन करता है दो स्टैक्स ऑफ ग्रेना को, आपस में ये जॉइनिंग फैक्टर होता है। यस बच्चे, यस। इसके अलावा मुझे ये एक फ्लूइड दिख रहा है, दिस फ्लूइड इज योर स्ट्रोमा, ये मेरा स्ट्रोमा होता है। अब बच्चे जो ये स्ट्रोमा है, जो ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे भर भर के एंजाइम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने वाली है वो मेरी स्ट्रोमा में होगी। वेयर एज जो थैलेकोइड मुझे ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पे है एक जादुई पिगमेंट, बहुत ही जबरदस्त पिगमेंट, विच इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। Actually, this chlorophyll molecule is responsible for the process. यही mainly responsible है पूरी process के लिए। कैसे और क्यों जानने के लिए देखते रहना है पूरा का पूरा lecture. Yes, बच्चों, जानने के लिए पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट, कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कोई समस्या, इन चारों में से कुछ भी है तो मुझसे पूछ लो चैट बॉक्स में। हाँ जी, दिव्यांशी, न्यूटन बाबा, नम्रता, शिल्पा, मोहम्मद परवेज, कुछ भी डाउट, आपत्ति, समस्या, कोई एक चीज भी है तो पूछो। एंड सारे बच्चे सेशन को लाइक करो, अभी फटाफट से लाइक कर लो, अपने सारे ग्रुप्स में इसको डाल दो, अपने सारे दोस्तों को आप लोग बुला लो कि भाई इससे अच्छी क्लास नहीं मिलने वाली लास्ट टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को तुम पढ़ के चले जाओ, उसके बाद तुम देखना चमत्कार होगा। इसके बाद जब भी मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा मिस नहीं होगा, ये प्रॉमिस है मेरा तुमसे। यस, ये प्रॉमिस है मेरा तुमसे। यस बच्चों, चलिए सुपर, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं जी पिगमेंट्स की। मैंने कहा इस ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर ही चमत्कारी मॉलिक्यूल्स, चमत्कारी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। वो क्या क्या पिगमेंट्स हैं, वो क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, देखो जी समझ लेते हैं, पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट कराते हैं ना, एक्सपेरिमेंट के बिना समझ में नहीं आएंगी आपको बातें, एक्सपेरिमेंट के बिना समझ नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, लीव्स को लिया, लीव्स को मैंने मोर्टर एंड पेसल के अंदर क्रश कर लिया, क्रश 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 करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेन किया, एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया, माइक्रोस्कोप में देखना शुरू करा, मैंने क्रोमेटोग्राफ बनाया।
क्रोमेटोग्राफ पे मैंने देखा कि भैया यहाँ तो मेरे को चार कलर नजर आ रहे हैं, यहाँ तो मेरे को चार पिगमेंट नजर आ रही हैं, कैरोटीन, जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये चार पिगमेंट नजर आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीफ का ग्रीन कलर है दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, हाउएवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ये चारों चीजें मिल करके उस ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस, एक बच्चा कह रहा है कि मैम एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, हाँ बिल्कुल कर देते हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं। चलिए जी, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके इस बच्चे के लिए मैं एक बारी फिर से एंगलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ। बहुत पीछे की बात पूछ ली यार तूने। हाँ जी, एंगलमैन सर का एक्सपेरिमेंट देख लो भाई। भाई सिंपल सी बात है, इसमें क्या किया गया था, आपके प्रिज्म से लाइट को पास किया गया, लाइट पास करने के बाद क्लैडोफोरा एल्गी के ऊपर उसको गिराया गया, तो जो क्लैडोफोरा एल्गी है ये भी तो प्लांट ही है, ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। उसके बाद चेक किया गया कि कहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, वो आप कैसे चेक करेंगे, जब आप एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे डाल देंगे तो एरोबिक बैक्टीरिया की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम होगी, तो एरोबिक बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन आपका 400 रेड एंड ब्लू लाइट के ऊपर ही मैक्सिमम पाया गया, मतलब दीज आर द एरिया जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है बाबा साहब जी, न्यूटन बाबा, नाम तो आपका न्यूटन है ना, आगे आपने बाबा लगा लिया है। यस बच्चे, बाबा साहब जी बता दो फटाफट से, आ गया समझ तो चला जाए आगे पिगमेंट्स। हाँ जी, हम यहाँ पे थे पिगमेंट्स। तो भाई क्रोमेटोग्राफ पे ये चेक किया गया कि क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, ये चार पिगमेंट्स है उस ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये चार पिगमेंट्स होते हैं। दीज आर द मेन पिगमेंट्स फाउंड इन द प्लांट एंड हैव एन एबिलिटी टू अब्सॉर्ब लाइट। भाई पिगमेंट होता क्या है, पिगमेंट इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कैपेबल टू अब्सॉर्ब अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर कोई मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर पाता है, करने के लिए सक्षम है, तो उसको आप पिगमेंट कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये चार पिगमेंट्स है। बात करते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम की। भाई मैंने कहा ये चार पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, और पिगमेंट्स क्या होते हैं मेरे बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो मैंने बनाया अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द पिगमेंट। देखो जी, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इस पिगमेंट को अब्सॉर्ब कर पा रहा है, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इस पिगमेंट इस वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर रहा है, कैरोटीनॉइड्स ये येलो वाले कैरोटीनॉइड्स है आपके। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ अब्सॉर्ब्ड बाय दैट स्पेसिफिक पिगमेंट, वेयर एज योर एक्शन स्पेक्ट्रम इज डिपिक्शन ऑफ योर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो हमने ये पाया कि 400 एंड 700 पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, तो 400 और 700 पे क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यस बच्चे, हाँ जी, आ रहा है कुछ समझ, ज्ञान चक्षु में कुछ क्लैरिटी बैठ रही है इन द चैट बॉक्स बच्चों, इन द चैट बॉक्स। यस, तो एक्शन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने आपको समझा दिया है। अब बारी आती है क्या क्या पिगमेंट्स है, हमने बात करी, मैंने बता दिया आपको कि भैया चार टोटल पिगमेंट है, ए मॉलिक्यूल, बी कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, इन चारों में से भी क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फंक्शन किसका होता है। भाई क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा तो मॉनिटर भी तो होता है ना, उसको आप चीफ बुलाते हैं, तो ये सारे पिगमेंट्स में से द चीफ पिगमेंट माय डियर किड्स इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो ब्लू ग्रीन इन इट्स प्योर स्टेट पाया जाता है। इसके अलावा वी हैव द एसेसरी पिगमेंट्स जो कि सहायता कर रहे हैं इस चीफ पिगमेंट की मेन फंक्शन को परफॉर्म करने में, तो सहायता करने वाले एसेसरी पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। एम आई क्लियर?
एम आई क्लियर? क्लास का मॉनिटर कौन है? चीफ पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. इसके अलावा वी हैव एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल केराटिनॉइड्स एंड वी ऑल्सो हैव जेंथोफिल्स. जेंथोफिल्स ये तीन आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं. चलते हैं जी आगे. अब देखो भैया क्लोरोप्लास्ट में ये जो पिगमेंट्स हैं ये फोटोसिस्टम्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. फोटोसिस्टम क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स फोटो पिगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन. याद करो मैंने आपको समझाया था क्लोरोप्लास्ट वाले डायग्राम के अंदर मैंने आपको समझाया था जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जो पांच का एक सिक्का था विच वॉज थैलेकोइड. मैंने कहा था इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है ना, इसके अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. तो थैलेकोइड में आपके फोटोसिस्टम पाए जाते हैं. बेसिकली वी हैव टू फोटोसिस्टम्स विच आर प्रेजेंट. वन इज फोटोसिस्टम वन, दूसरा हो गया जी आपका पीएस टू. अब क्या डिफरेंस है जी, वन और टू आप क्यों बुला रहे हो जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. हम क्यों पीएस वन पीएस टू बनाते हैं? एक बारी आप इस डायग्राम को देख लो. ये आपका पीएस टू कॉम्प्लेक्स है, ये आपका पीएस वन कॉम्प्लेक्स है, ये आपके थैलेकोइड. थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में ही सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं. तो पीएस वन एंड पीएस टू में ऐसा क्या डिफरेंस है हम समझ लेते हैं. कोई भी फोटोसिस्टम में आपके दो पार्ट्स होते हैं. एक तो है सेंटर वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर. तो मेरे बच्चों रिएक्शन सेंटर में हमेशा क्लास का मॉनिटर, हमेशा चीफ पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट विल बी प्रेजेंट. हमेशा यहाँ पे चीफ पिगमेंट पाया जाएगा. उसके अलावा आई एम हैविंग एंटीना कॉम्प्लेक्स जिसको कि आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. सिस्टम ऑफ फोटो पिगमेंट एंड प्रोटीन इट इज हैविंग एक्सेसरी पिगमेंट्स. मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, है ना, चैट बॉक्स में बताओ कि एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या थे. कम ऑन, क्या क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट था? यस और नो इन द चैट बॉक्स. क्या मेरे जेंथोफिल्स एक्सेसरी पिगमेंट थे? यस और नो इन द चैट बॉक्स. क्या मेरे कैरोटिनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट थे? यस और नो. भैया ऐसे एटीपी बिना खर्चा करे काम नहीं चलेगा. तुमने भी तो खाना खाया है, तुम भी रेस्पिरेशन को किक ऑफ करो थोड़ा सा, अपने ग्लाइकोलाइसिस चलाओ. थोड़ा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लाइकोलाइसिस से, फिर जाकर के ईटीसी में तुम्हारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस को किक ऑफ तुम भी तो करो. बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, बताओ मुझको चैट बॉक्स में. हां जी बच्चा पार्टी चैट बॉक्स में कम ऑन स्प्रेड सम एटीपीज. हां जी कमॉन कमॉन कमॉन. यस ये सारे के सारे आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं. ऑलराइट तो भाई मैंने कहा कि कुछ डिफरेंसेस तो है पीएस वन एंड पीएस टू में, तभी तो आपने इनको दो नाम दिए हैं. तो ऐसे क्या डिफरेंस है? मैंने कहा एक मेजर स्ट्रक्चर तुम्हारे को समझा दिया. वी हैव रिएक्शन सेंटर, वी हैव एक्सेसरी पिगमेंट. रिएक्शन सेंटर में आपका हमेशा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, बट उस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में भी कुछ तो डिफरेंस है. पता लगाते हैं दया. आओ जी पीएस वन और पी 700 आप इसको बुलाते हो. वाई 700? बिकॉज इट कैन अब्सॉर्ब द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर. ये 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखता है, इसलिए मैं इसको पी 700 बुला देती हूं. ऑन कॉन्ट्रेरी जो पी 680 या पीएस टू जो है इट कैन अब्सॉर्ब वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर. 680 तो मैं इसको पीएस टू या पी 680 बुला देती हूँ. एम आई क्लियर? पहले पॉइंट में ये फर्स्ट मेन डिफरेंस है. इसका मतलब जो रिएक्शन सेंटर में मेरा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 700 नैनोमीटर की पीक तक की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर पाता है. वेयर एज यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर में मेरा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही अब्सॉर्ब करने योग्य है. पहला पॉइंट क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट? हाँ जी. जो ये पीएस वन है इट इज प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेनर थैलेकोइड एंड स्ट्रोमा थैलेकोइड. इट इज प्रेजेंट इन द एप्रेस्ड पार्ट. रिएक्शन सेंटर में यहाँ पे क्लोरोफिल ए आपका 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब कर पा रहा है, यहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब कर पा रहा है. ठीक बात है जी बच्चों? चला जाए आगे.
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब ये सवाल कहां से आते हैं? सवाल भर भर के आते हैं यहां से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट 10 मिनट्स में, कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट जहां से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे फोटोसिंथेसिस की, फूड को सिंथेसाइज करने की, तो बेसिकली दो रिएक्शंस में, दो पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर सकती हूं। वन इज लाइट रिएक्शन, सेकंड इज डार्क रिएक्शन। ये रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आई नीड सनलाइट, इसीलिए मैं इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहती हूं। इस लाइट को करने के लिए आई डू नॉट नीड सनलाइट, मेरे को सनलाइट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहती हूं। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन आपकी रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में होगी, दिस इज अ मिसनॉमर। लाइट रिएक्शन का सिंपली मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। एक्सक्यूज मी, एज सिंपल एज दैट। आया समझ? व्हाट इज लाइट रिएक्शन, व्हाट इज डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन के लिए हमारी को पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हमारी को एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में होगी। कहां होगी बच्चों? स्ट्रोमा। याद करो मैम ने कहा था कि स्ट्रोमा जो फ्लूइड सब्सटेंस है यहाँ पे सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज पाई जाती है, तो एंजाइम्स कोई रिएक्शन करेंगे तो बट नेचुरल वो स्ट्रोमा में ही करेंगे। बात करते हैं जी थैलकोइड की। मैम ने कहा था ये जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर है इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो जहां पिगमेंट्स होंगे वहां पे लाइट रिएक्शन, जहां एंजाइम्स होंगे वहां पे डार्क रिएक्शन। इससे साधारण शब्दों में कोई तुम्हें नहीं समझा सकता, ठीक है? लाइट रिएक्शन पे थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं भाई। लाइट रिएक्शन में बेसिकली आपका एटीपी का जुगाड़ किया जाता है, आपकी एटीपी को सिंथेसाइज किया जाता है। ये जो एटीपी है इसको बाद में डार्क रिएक्शन में हम यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करके हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो भैया पहले पार्ट ऑफ रिएक्शन में मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं एटीपी बना रहा हूं, इसको आप ऐसे समझो। अब ये जो 30 डेज है, दीज आर द लाइट रिएक्शन फॉर यू, आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से, ये लास्ट लेग है। एंड 7th में इज द डार्क रिएक्शन, जिसमें आप एक्चुअल में 3 hours 20 minutes बैठ करके अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनाना इज डार्क रिएक्शन। इसको बनाने के लिए हमारी को एनर्जी की आवश्यकता है, उसको सिंथेसाइज करना इज द लाइट रिएक्शन। अब एटीपी बनाना, एटीपी कैसे बनेगा बोलो मैम? जब मैं एडीपी के अंदर फॉस्फेट को ऐड कर दूंगा तो वो एटीपी बना देगा। तो फॉस्फेट को ऐड करना बच्चे, तो मेरे ख्याल से फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फेट को ऐड करना बच्चे, फॉस्फोराइलेशन होता है। बोलो यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो। तो क्या मैं इस रिएक्शन को फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन भी कह सकती हूं? बोलो यस मैम, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है ये दो अलग प्रकार से, दो अलग तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है साइक्लिक, दूसरा है नॉन साइक्लिक। डिफरेंस क्या है अभी क्लियर करती हूं, डिफरेंस क्या है हम अभी बात करते हैं। भाई हमको एटीपी तो बनानी है, अगर एटीपी बनाने के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स गए किसी मीडियम के पास में, दूसरे सब्सटेंस के पास में, मॉलिक्यूल से पास होते 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 वापस वहीं पे आ गए, तो उसको मैंने कह दिया साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। मैम फॉस्फोराइलेशन तो आपने कहा क्योंकि आप फॉस्फेट ऐड कर रहे हो एटीपी में, ये फोटो वर्ड क्यों लगा दिया आपने? ये तो चीटिंग है। ये फोटो वर्ड लगा दिया बच्चे क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। याद करो मैं हमने कहा लाइट रिएक्शन में सनलाइट की आवश्यकता होती है, इसीलिए
मैं इसको फोटोफॉस्फोर आइलेशन कहती हूं। अगर इलेक्ट्रॉन गया वापस सेम मॉलिक्यूल के पास आ गया उसको मैं साइक्लिक कह देती हूं, अगर इलेक्ट्रॉन गया वापस उस सेम मॉलिक्यूल के पास नहीं आया उसको मैं नॉन साइक्लिक कह देती हूं। एम आई क्लियर? और एम आई क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई मेरे से। कोई दुविधा में पड़ गए हो, फंस गए हो कहीं पे तो पूछ लो बच्चों फटाफट से। फिर मैं शुरू कर रही हूं नॉन साइक्लिक से। हाँ जी फटाफट बताओ भाई फटाफट, सवाल भी लगाने हैं हमें, सवाल भी लगाने हैं। तुम्हें पता तो चले इस कंटेंट से किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। यस मैम ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैम, मैम सब क्लियर, सब क्लियर है। हाँ हाँ कोई डाउट नहीं है बाबा जी। तो शुरुआत करी जाए बच्चे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। क्यों मैंने फॉस्फोराइलेशन बोला समझ आ गया? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्यों मैंने फोटो वर्ड को ऐड कर दिया? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्यों इसको मैं नॉन साइक्लिक बुला रही हूं? समझ आ गया, समझ आ गया। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की करते हैं जी बात, शुरुआत करते हैं। ओ माय गॉड इतना भयंकर डायग्राम देख के तो मेरे बच्चे डर जाएंगे। इसको फटाफट से हटा देते हैं, इसको फटाफट से हटा देते हैं। यस इस डायग्राम को देख के डरना नहीं है, इसको फटाफट से हटा देते हैं। नो डाउट, नो आपत्ति, नो समस्या, नो दुविधा, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है सुपर, इसको देख के डरना नहीं है डायग्राम को। पहले मैम की बात समझना फिर इस डायग्राम को दिखाते हैं। चलिए सुपर, तो भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के? पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। शुरुआत हम करते हैं फोटोसिस्टम टू से। कैसे शुरुआत करते हैं? फोटोसिस्टम टू के अंदर मैं बता चुकी हूं मेरे बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होगा एंड रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या पाया जाएगा? रिएक्शन सेंटर में होगा मेरा चीफ पिगमेंट मॉलिक्यूल विच इज क्लोरोफिल ए। बताओ यस और नो, यस और नो? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पाया जाएगा। इसके बाहर मेरे एसेसरी पिगमेंट्स होंगे। मेन पिगमेंट, चीफ पिगमेंट का काम है सनलाइट को अब्सॉर्ब करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना। एसेसरी पिगमेंट्स का काम है सनलाइट को अब्सॉर्ब करना एंड फाइनली रिएक्शन सेंटर में ही उसको भेज देना इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव प्रोसेस। चलिए जी अब पहले ही स्टेप से शुरुआत करते हैं। फोर फोटॉन्स ऑफ लाइट आर अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इन फोटोसिस्टम टू। PS2 के रिएक्शन सेंटर ने सनलाइट को अब्सॉर्ब किया, चार फोटोन ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया, अब्सॉर्ब हो गया। द वेवलेंथ दैट एस्केप द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आर कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट इन द एंटीना कॉम्प्लेक्स व्हिच दे देन गिव टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ द PS2। भाई जो आपके एंटीना कॉम्प्लेक्स है उसका भी तो काम यही है कि वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करेंगे एंड सेंटर में उसको पास करते रहेंगे। ठीक है, सेंटर में जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, उसका काम है सनलाइट को अब्सॉर्ब करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराना। जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनका काम है सनलाइट को अब्सॉर्ब करना एंड उसको रिएक्शन सेंटर में भेज देना इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव प्रोसेस। ठीक बात है जी। चलिए, वन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ फोर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बिकम्स एक्साइटेड एंड एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से आपके इलेक्ट्रॉन्स एस्केप होना शुरू होते हैं। दिस एक्साइटेशन एंड एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज the photochemical part of the light reaction. This is the step where conversion of energy will take place. The flow of photon is converted to a flow of electron. So the light energy is converted into the chemical energy. आपके photons आए, electrons निकलना शुरू हुए, photons accept हुए, electrons liberate out होना शुरू हुए। जब reaction center से electrons liberate out होंगे तो किसी molecule को accept करना पड़ेगा। जो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है मेरे बच्चों उसका नाम क्या है? चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। उसका नाम है जी फियोफाइटिन। नाम है उसका फियोफाइटिन।
तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सवाल कहां से आएगा, एमसीक्यू अलर्ट कहां से आएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज योर फियोफाइटिन फॉर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हां जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन, ठीक है जी। तो ये पहला, अब इस गंभीर से डायग्राम को समझने की बारी आ चुकी है, इसे डरना आप बंद करें। पहला मॉलिक्यूल विच इज फियोफाइटिन, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या बताया, वापस से समराइज कर रही हूं। ये तुम्हारा P6AT माने फोटोसिस्टम 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। ये सनलाइट यहाँ पे आई, 4 फोटोन। सनलाइट आने के बाद यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चीफ पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेज में जाना शुरू होंगे। एक्साइटेड स्टेज में जाएंगे तो फियोफाइटिन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यहां तो डेफिशिएंसी हो गई है ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे पहुंचा दिया, आपको भी तो अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना पड़ेगा। तो जी क्या किया जाए, जो हम समझा रहे थे आपको कि वाटर मॉलिक्यूल की भी रिक्वायरमेंट है, वो वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट कहां और कैसे है देख लेते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल है मेरे बच्चों, वो स्प्लिट होता है इंटू एच प्लस आयंस, इंटू ऑक्सीजन एंड इंटू इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चले जाते हैं PS2 के पास, जो डेफिशिएंसी हुई है उसको फुलफिल करने के लिए। तो क्या हुआ है बच्चों, देयर इज फोटोलाइसिस। क्या बोला मैंने, फोटोलाइसिस। लाइसिस माने ब्रेकडाउन, फोटो माने सनलाइट की प्रेजेंस में। पानी को सनलाइट की प्रेजेंस में आपने तोड़ दिया, उससे H+ मॉलिक्यूल्स निकले, ऑक्सीजन निकला एंड इलेक्ट्रॉन्स निकले। हम कहते हैं ना, प्लांट CO2 इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ये कहां से निकल रही है बच्चों, इट इज एक्चुअली द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये यहीं का बाय प्रोडक्ट ही तो होता है जो बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो आपके PS2 की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए जा चुकी है। ये H+ का भी अहम योगदान होता है, उसके बारे में मैं बाद में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में समझाऊंगी। यहां तो कोई डाउट, मैम आप हमारे साथ हो तो डर कैसे सकते हैं, क्लियर करते होगी एक बार में ही क्लियर। थैंक यू सो मच दिव्यांशी भार्गव, थैंक यू आपका प्यार। आप बच्चों का दुलार ही बनाए रखा है मुझे इंडस्ट्री में इतने सालों से। ऑनलाइन जब शुरू हुआ था तब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भले ही पढ़ा रही हूँ, बट बहुत साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। जितना पुराना ऑनलाइन है उतना ही पुरानी मैं हूँ यहाँ पे, आदम के जमाने की। आपका प्यार ही मुझे खींच लाता है वापस से पढ़ाने के लिए। यस बच्चे, हाँ जी। तो ये पहला स्टेप किस किस को क्लियर हुआ, फियोफाइटिन ने मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ फियोफाइटिन विल गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट, फियोफाइटिन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। फियोफाइटिन चाहता है नॉर्मल स्टेट में वापस आना, उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना पड़ेगा जिसको इसने एक्सेप्ट किया है। यस, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट में आप थोड़ी देर के लिए रह सकते हो, बाकी तो आपको नॉर्मल स्टेट ही पसंद होती है, ठीक है। तो जब नॉर्मल स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अब रिलीज करेगा तो देर मस्ट बी सम अनदर मॉलिक्यूल जो इसको एक्सेप्ट कर पाए बच्चों। तो वी आर हैविंग प्लास्टोक्विनोन जो कि इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यस बच्चों, प्लास्टोक्विनोन जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, गया एक्साइटेड स्टेट में, इट वॉन्ट्स टू कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल में आना चाहता है। क्या करना पड़ेगा बच्चों, लिख दो चैट बॉक्स में, बिट्टू लिख दो चैट बॉक्स में, बोलो मैम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करेंगे तो कोई तो मॉलिक्यूल होना चाहिए, बोलो हाँ मैम बिल्कुल, साइटोक्रोम B6F तैयार बैठा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। साइटोक्रोम B6F ने एक्सेप्ट कर लिया, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, इट वॉन्ट्स टू कम बैक टू नॉर्मल स्टेट। क्या करना पड़ेगा, बोलो मैम इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, कोई होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। यस मैम, प्लास्टोसाइनिन तैयार बैठा है। यस मैम, प्लास्टोसाइनिन तैयार बैठा है। बिट्टू आ गया समझ में,
बिट्टू ध्यान से सुनो, प्लास्टर किनोन ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेड स्टेट में गया, उछलना शुरू कर दिया। अब उछलते तो नहीं रहेगा, नॉर्मल स्टेट में आना चाहेगा। नॉर्मल स्टेट में आने के लिए जो चीज एक्स्ट्रा ऐड करी है उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके नॉर्मल स्टेट में आ गया, बट रिमूव करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाए, वो चले गए नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास में, साइटोक्रोम B6F। अब इसने नाचना शुरू कर दिया, इसने एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया बच्चे, इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट। व्हाट इट विल डू, इट विल रिलीज दोज इलेक्ट्रॉन्स अगेन। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको एक्सेप्ट कर लिया प्लास्टोसाइनिन ने, यहां से गया आपके PS1 के पास। PS1 से जाएगा आपका आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में, फेरेडॉक्सिन के पास में, एंड फाइनली वी आर हैविंग NADP+ जो कि 2H+ के साथ में मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके NADPH बना देगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। यस बच्चों जल्दी, मैं वापस से समराइज कर रही हूं। मैंने कहा आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था, हाँ लास्ट ईयर का क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेंगे बेटा। बिट्टू 2 मिनट दे दे बस मेरे को, अभी क्वेश्चंस पे ही मैं आ रही हूँ, 2 मिनट दे दे बिट्टू। हाँ जी, मैंने आपको समझाया कि 6AT+ बन गया एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल उसको ले लेगा। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो तुम्हारा फियोफाइटिन है, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। यस, ये बात हम कर चुके हैं। फियोफाइटिन से आगे जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास, उससे आगे जाएंगे साइटोक्रोम B6F के पास में, साइटोक्रोम B6F ये आगे ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन आगे कर देगा आपके PS1 को। चला गया PS1, ये देखो ये है बढ़िया डायग्राम जिसको कि आप जेड स्कीम भी कहते हैं। मॉलिक्यूल पास हुआ, फाइनली आपके NADP पॉजिटिव ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, NADPH बना दिया, ठीक है जी। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज सारे बच्चे मुझसे पूछ लीजिए। नॉन साइक्लिक में कुछ भी डाउट है तो फटाफट से पूछो बच्चों, क्रिस्टल क्लियर हो गया तो चलते हैं साइक्लिक पे। इसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, जितना आज समझा है उसी पे बेस्ड सवाल मैं कराऊंगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक भी सवाल ना बने तो मुझको बता देना, ठीक है। चलो साइक्लिक, साइक्लिक में मेरे बच्चों पहली चीज तो PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है विच इज PS1 साइक्लिक। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स गए घूम फिर के वापस आ गए, है ना, वो कहते ना सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते, तो कुछ ऐसा ही हिसाब है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स सुबह भूल के गए शाम तक वापस आ गए, तो एक सिस्टम से गए पास वन होते होते वापस, दे आर बैक टू दैट मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसीलिए मैं इसको साइक्लिक बुला देती हूँ। चलिए जी, यहां से कहानी की शुरुआत होती है PS1 में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, PS2 का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे लास्ट में NADPH नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वापस से PS1 ले लेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए पानी को तोड़ना पड़ रहा था, देर वॉज फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर, लेकिन यहाँ पे देर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर, मेरे को पानी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, देर इज नो फोटोलाइसिस। यस, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड देन टू साइटोक्रोम B6F एंड वापस बैक टू PS1 हो जाएंगे। प्लांट साइक्लिक कब करता है, जब उसको ज्यादा ATP की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली आपका नॉन साइक्लिक होगा, ज्यादा ATP चाहिए तो प्लांट कहेगा चलो एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा काम में हम साइक्लिक भी कर लेते हैं, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा, यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। तो भैया साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंस ध्यान से सुनो, मेरे को देखो सिर्फ, सब कुछ साइड में रख दो, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंस, नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट थे, यस और नो इन द चैट बॉक्स में बताओ, PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट थे नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में सिर्फ PS1 प्रेजेंट है।
नॉन साइक्लिक में एटीपी एनएडीपीएच दोनों बन रहे थे, यहाँ पे साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनेगा। नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस हो रहा था, यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं होगा। यस बच्चे बता दो भाई, कोई आपत्ति डाउट समस्या कुछ भी अगर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, फटाफट से लिख दो। अगर नहीं है तो इस प्यारी से टेबल को देख लो जो मैम ने अभी आपको समझा दी है, वही टेबल यहाँ पे आपको लिख दी गई है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा, पीएस वन पीएस टू है या नहीं है। अच्छा ये सब कुछ ना थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा भी है, मैं तुम्हारे को इसका पीडीएफ अपलोड करा दूंगी, कहाँ पे, टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे पीडीएफ मिल जाए। चले भाई थोड़े सवाल ववाल सॉल्व कर लिए जाए, देखा जाए किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। क्या कहते बच्चों, न्यूटन बाबा, बीटू दिव्यांशी भार्गवा, शिवा कुमारी, हाँ जी जोश बरकरार है मेरे बच्चों का, जोश तो बरकरार है ना मेरे बच्चों का, थोड़े सवाल हवा लगाए जाए, समझा जाए कितनी तैयारी हो चुकी है तुम लोगों की। हाँ जी नो मैम, डन अंडरस्टूड। चलो सुपर, इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे बच्चों नीट 2021 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो, समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल मत करना, वरना पढ़ाया हुआ सब बेकार है, 20 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल मत करना। चलो जी सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं मैं बार बार आपको समझाती हूँ, एग्जामिनर को 18 से 20 लाख बच्चों को नैरो डाउन करके 90,000 टू 1 लाख सीट्स में कन्वर्ट करना है, तो वो बाय हुक एंड बाय क्रूक आपकी सीट आपसे छीनना चाहता है। आपको उस एग्जामिनर से सुपर चलाक बनना है, अपनी एक सीट अपने पास जरूर लेकर के आनी है एमबीबीएस की। तो ये जो शब्द इस्तेमाल कर दिया ना एग्जामिनर ने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो जी, वो तुमको घुमाने के लिए क्या है। इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, ये सारी टर्म्स। सबसे पहले मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए, इनकरेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करके क्रॉस मार्क हम कर लेंगे, काटा मार दो ताकि ब्रेन को सिग्नल रहे कि भैया मेरे को चार में से गलत स्टेटमेंट देखनी है, सही स्टेटमेंट नहीं देखनी है। पहली ही स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों का आंसर मेरे पास आ गया है, तुम लोग डिजर्व करते हो तालियां, तो मैंने तुम बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए तालियां बजा दी है। तैयार है। बिट्टू का करेक्ट है, दिव्यांशु का करेक्ट है, शिल्पा करेक्ट है, न्यूटन बाबा करेक्ट है, शाबाश बच्चों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स पीएस वन एंड पीएस टू। कैसे बात कर दी, नॉन साइक्लिक में पीएस वन पीएस टू दोनों होते हैं, साइक्लिक में तो एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाकर के वापस वहां पे आ ही नहीं पाएंगे, साइक्लिक करके कुछ शब्द रहेगा ही नहीं। पहली ही स्टेटमेंट मेरी गलत स्टेटमेंट है, विच मींस इट इज करेक्ट आंसर। कितनी देर लगी बच्चों इसको सॉल्व करने में बता दो भैया, कितना समय लग गया इस सवाल को सॉल्व करने में? अगर तुमने ये क्लास लगाई होती पहले से तो इस क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर पाते, मेरे को चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से, लिखो चैट बॉक्स में बच्चे। इसीलिए आपको अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है ये क्लासेस को, ताकि सब इतनी अच्छी क्लासेस का लुत्फ उठा पाए, अपने स्कोर को अच्छा बना पाए, है ना। 6 सेकंड लगती बिट्टू कह रहे मैम, 6 सेकंड लगती है। चलो भाई बायो में कम समय लगाओगे तभी तो फिजिक्स के लिए टाइम बचा पाओगे, है ना। खाली बायो से क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो अनिवार्य है, चार पहिए हैं आपके गाड़ी के, है ना, 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, 5 सेकंड में, ये हुई ना बात, 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, सुपर। चलो फिर अगले सवाल पे आ जाओ उसी के साथ। 2020 का सवाल है बच्चों, 2020 में पेपर दो बार हुआ था ना आपका, 2020 का फेज टू का क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। चलो इसके लिए तुम 20 सेकंड ले लो। During non-cyclic photophosphorylation, when electrons are lost from the reaction center at PS2, what is the source which replace these electrons? 5 से 10 सेकंड, आ जाओ अगले सवाल पे, 20 सेकंड दे रही हूं, लगाओगे तुम 5 सेकंड, आई एम प्रिटी श्योर मेरे बच्चे 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे इस अगले सवाल को, जो 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, कम ऑन।
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब PS2 से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो PS2 के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है, क्या वहां पे पानी का फोटोलाइसिस किया जाता है? यस और नो बच्चों, हाँ जी, क्या वहां पे फोटोलाइसिस किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यस, क्या सोर्स है विच रिप्लेस दीज इलेक्ट्रॉन्स? यस मैम, कितनी देर लगी क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों? कितनी देर लगी? ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई मतलब नहीं है, लाइट से क्या हम करेंगे? जब हम H2O की स्प्लिटिंग करते हैं तो ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे देता है। ये जो ऑक्सीजन है ये लिबरेट आउट हो जाती है एनवायरनमेंट में, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये PS2 को दिए जाते हैं, और ये जो H प्लस है योगदान देते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। कैसे? उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा बीना मैम के साथ, बीना मैम समझा देंगी आपको। यस बच्चे, तो आंसर इज योर वॉटर, देयर विल बी फोटोलाइसिस। एंड मजे की बात यह है कि फोटोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका बच्चे फोटोलाइसिस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही ये होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2018 का सवाल, 2018 का क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाता है आपकी स्क्रीन पे। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, कहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, कहां पे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन आपका सल्फर प्रोड्यूस हो गई थी, बता दो। एकदम स्टार्टिंग के ऑफ लेक्चर में मैंने समझाई थी ये बात, एकदम स्टार्टिंग में, जो बच्चे बाद में आए हैं आप लोगों को बता दूं, एकदम शुरुआत में मैम ने इस बात को समझा दिया था अपने बच्चों को। यस बच्चों, हाँ जी, फटाफट बताओ, क्वेश्चन आते ही मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो जाने चाहिए। यस मैम, हाँ जी बच्चा पार्टी, यस बच्चा पार्टी, बिट्टू का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। बाकी बच्चे कमान, दिव्यांशी भार्गवा करेक्ट बात बोल दी। मैं आपसे पूछा है सवाल में, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो भाई ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पानी की जगह H2S का इस्तेमाल किया जाता है, एज अ रिजल्ट आपका ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रोड्यूस होता है, तो आंसर हो गया है जी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक बात है जी, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, नीट 2018 का सवाल है, सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, क्या चीज प्रोडक्ट नहीं है? अच्छा बच्चों, इसके बाद के सारे टॉपिक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से शुरू करेंगे, डार्क रिएक्शन में C3C4 कंप्लीट करेंगे, मेजरली C4 वाले पार्ट से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। कल सेम टाइम 5 बजे अपने कैलेंडर में आप बुक कर लो, बेल आइकन को आप प्रेस कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेम टाइम पे अपने सारे दोस्तों को बुला करके ले आना, हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, C3C4 साइकिल, ठीक है, एंड फैक्टर्स ऑल्सो, एंड वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो आपके 2022 में आए थे, 1 में आए थे इस पर्टिकुलर पार्ट से, ठीक है। हाँ जी, तो आपसे पूछा नॉट ए प्रोडक्ट, ATP प्रोड्यूस होता है, यस, ऑक्सीजन होता है, यस, एंड ADPH होता है, बिल्कुल करेक्ट बात। अरे न्यूटन बाबा भाई, ATP कैसे? ATP तो बनाना ही मेन काम है ना, लाइट रिएक्शन का मेन काम है ATP बनाना, ताकि डार्क में उसको यूज करके
CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया जा सके। आ गया समझ भैया? तो NADH प्रोडक्ट नहीं होता, रिएक्टेंट जरूर होता है। NAD+ कंबाइन करता है H+ से, इलेक्ट्रॉन से, एंड बना देता है NADPH। ठीक है बिट्टू, डन, अभी बात कर लेंगे सर से, करा देंगे लाइव क्लास आपकी। ठीक है ठीक है, खुश रहो तुम, मस्त रहो। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे हम कल सेम टाइम 5 बजे, लाइव क्लास रखेंगे जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, अपनी C3 साइकिल, अपनी C4 साइकिल, जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये फोटोसिंथेसिस को, ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे एंड भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। इस क्लास के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसे लगी क्लास, मैं पर्सनली देखती हूँ एक एक कमेंट को। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अपना ख्याल रखो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। बाय बच्चों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय।